हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो भी आपके एचपी टेट या अदर किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में पार्ट फोर अपलोड हो गए हैं, आज है नेक्स्ट पार्ट फाइव। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट आर। एंगल्स जो क्या है, वर्टिकली अपोजिट भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो, वो एंगल आपको बताने हैं। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, अगर हम इस तरीके से दो लाइन क्रॉस करें एक दूसरे को तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम अगर ये एंगल हमारे पास अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो आपके पास चार ऑप्शन है, देखिये चारों में से ऑप्शन में क्या कहा है, वर्टिकली अपोजिट हो, साथ ही साथ एक वर्ड आया है सप्लीमेंट्री। क्या वर्ड आया है, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री मैंने होता है जब दो एंगल का सम, जैसे दो एंगल्स हैं उनका सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन आ जाए, दो एंगल्स, ठीक है, आपने कोई भी दो एंगल लिए इस तरीके से और इन दोनों को जब एड किया तो सम कितना आया, 90 डिग्री के इक्वल, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो वर्टिकली अपोजिट भी हो और उन दोनों का सम कितना हो, 180 भी हो। तो देखिए जो जितने हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से आप देखो कौन से पेयर में जो है ना दोनों का सम क्या हो रहा हो, 180 हो रहा हो। तो पहला देखो 95 और 85 क्या होने चाहिए, सबसे पहले कंडीशन क्वेश्चन में क्या लिखा है, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये दोनों क्या हो आपस में, इक्वल हो। तो ये इक्वल नहीं है, ये तो ऑप्शन से हट गया। 90 दोनों इक्वल भी हैं और दोनों का सम कितना है, 180 भी है, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट है 180, ये भी नहीं होगा, और फिर है 45 एंड 45, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं पर इन दोनों का सम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये कितना बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, 90 90, ये वाला पेयर जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इनमें से आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सी, जो तीन साइड्स के नेम दिए हुए हैं ना आपको, डायमेंशंस दे रखी हैं भाई, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो कौन सा जो है ट्राइंगल की साइड नहीं बनाएगा। तो देखिए पहले समझिए, एक ट्राइंगल है, इसमें तीन साइड है, कोई भी ट्राइंगल तभी बन सकता है, ध्यान से समझना, कोई भी ट्राइंगल तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो साइड का अगर हम जोड़ करें वो तीसरी से हमेशा क्या हो, बड़ा हो, तीसरी से हमेशा क्या हो, बड़ा हो। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ट्राइंगल तभी बन सकता है जब अगर ए प्लस बी करें तो वो किससे बड़ा आए, सी से। अगर मैं बी और सी को प्लस करूं, बी प्लस सी कर दें तो वो किससे बड़ा आए, ए से, और सी प्लस ए करें तो ये किससे ग्रेटर हो हमारा, बी से, तब ये क्या बनाएगा यहाँ पे, ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ओके, तब ये क्या है, ट्राइंगल बन सकता है। तो यहां पर देखिए अब हमारे पास जो साइड के जोड़े दे रखे हैं, ठीक है, तो इसके लिए अगर एक ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे क्या ट्रिक आपकी काम आ जाती है, आप जितनी भी साइड दे रखी हैं, जो तीन साइड दी है, मान लीजिए दो, ये तीन और ये चार, तो सबसे दो छोटी वाली साइड को जोड़ो, दो छोटी वाली साइड, देखो 2 और 3, 4 से छोटा है ना, इन दोनों को ऐड करके देखो, अगर इनका सम क्या है, ग्रेटर आ जाए इस वाली से, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। तो देखो 2 3 5 होता है, 4 से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 3 4 5 का, 4 और 3 कितना हो गया, 7, और ये बड़ा है किससे, 5 से, तो ये तो ट्राइंगल बन सकता है। अगला देखो 2 4 6, ठीक है, 4 और 2 6 होता है, और तीसरी साइड भी क्या है, 6 है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखो 2.5, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2.5 3.5 एंड 4.5, देखो 3 6 और ये यहाँ पे 6, और ये बड़ा हो गया किससे, 4.5 से, तो ये भी ट्राइंगल बन सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन बी है ना यहाँ पर, वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कोई ट्राइंगल है और डी क्या है उसका, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल सेंटर, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, ठीक है, बी डी इक्वल डी सी।
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी किसके इक्वल दे रखी है? ए सी के. तो होता क्या है, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाएं, उस ट्राइंगल का नाम कौन सा नाम होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है वो. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है. अब देखिए साथ में इसकी प्रॉपर्टी क्या है. अब इस ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, जो साइड इक्वल होती हैं उनके ठीक सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं. यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल सी. ठीक है, अगर ए बी इक्वल ए सी है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके ठीक सामने ए सी के सामने बी, ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, और ए बी के सामने है एंगल सी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. यहां तक तो हम पहले ही लिख लेंगे. तो आपको बतानी है यहाँ पे, अगर ये इसको ये ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है, तो ये एंगल ए डी सी कितना होगा, एंगल ए डी सी ये वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी. तो फ्रेंड ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, और चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं अगर आपको याद ना रहे एग्जाम में. तो सिंपल है, देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी है. ये साइड इसके साथ बराबर है, ये साइड आपस में इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है. तो इस ट्राइंगल से ए बी डी और ए डी सी में ए बी ए सी के बराबर, बी डी डी सी के बराबर, और ए डी कॉमन है, या एंगल बी इक्वल. तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हैं, है ना. कॉन्ग्रेंट होने से करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है जैसे कि अगर यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला, इस ट्रायंगल को हम उठा के इस पे यूं रखेंगे, है ना, ये ट्रायंगल अगर उठा के ऐसे घूम के इस पे आएगा तो ये इसके बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल. और ये पूरी क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन, और ये इस पे एक एंगल ऐसे है, और इस पूरे का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनता है. अच्छा इसमें एक बात और, अगर आप चाहते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस सेपरेटली, मतलब थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर इस पूरे का सम 180 होता है, इस और ये दोनों इक्वल थे, तो एक एंगल जो है वो कितने के इक्वल आ गया, 90 के. तो हमें यही फाइंड आउट करना था, एंगल ए डी सी कितना है. तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री. तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, 3 क्यूब हैं, इस तरीके से 3 बॉक्स हैं, और उनकी जो साइड है वो कितनी कितनी दे रखी है, 6, 8, और ऐसे ही जो थर्ड है उसकी कितनी दी हुई है, ये हमारे पास 10. ठीक है, 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब. इनको पिघलाया और एक बड़ा क्यूब बना दिया गया. ठीक है, पिघला के एक बड़ा क्यूब तैयार किया. आपको बताना है इस नए क्यूब की जो एज है, ये साइड है, ठीक है, एक साइड वो कितनी होगी, यानी कि इसकी एज हमें फाइंड आउट करनी है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें मालूम है एक चीज को पिघलाएं या उसमें कोई चीज भरी और उसके दूसरे में डाला जाए, तो क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है. क्या सेम रहता है, वॉल्यूम. मान लीजिए इसका, अब इसकी क्योंकि ये क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये क्या होता है, वॉल्यूम. तो यहाँ पे तीन थे, तीनों को पिघला के एक नया बनाया, तो देखो नए वाले का वॉल्यूम मान लो वी, ठीक है, या इसकी साइड मान लो आप. यहाँ पे हमने इसकी साइड मान ली ए, साइड मान ली ए, तो जो ए क्यूब है इसका जो वॉल्यूम है वो कितने के इक्वल होगा, इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल. तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा. तो देखिए यहां से आप इसका क्यूब लिखें, यहां से इसका, यहां से इसका, तीनों को प्लस करें, और यहाँ पे वो किसके इक्वल है, ए क्यूब के इक्वल है. फिर क्या लेना है, क्यूब रूट. इसका क्या निकाल लो, क्यूब रूट, यानी कि ये जो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे, ये किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा, क्या 12 को मल्टीप्लाई करने से आएगा, या 24 को, 18 को, या 20 को. तो आप आंसर चेक करें. और वैसे भी चाहे तो हम लोग, अगर एग्जाम में टाइम ना हो, तो देखो आप ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं. 6 का क्यूब, 6 6 36 36 6 6, फिर से क्या आएगा, 6, यानी कि इसकी इसकी वंस प्लेस में इकाई की जगह पे क्या आएगा, हमेशा 6. 8 की जगह में क्या आएगा, देखो
8 8 64 64 और फिर से 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ पे हमें लास्ट में मिलेगा 2, जमा यहाँ से क्या मिलेगा 0, है ना। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा यहाँ इन तीनों को जोड़ने पे 8 आएगा यहाँ से। अब देखो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें किसका पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर, जैसे 12 है तो 12 को 12 से करेंगे, 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आ रहा है, फिर से इसको 12 से करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। अगला चेक करो 24, अगला चेक करिए 24 का, ठीक है। तो देखो 24 के केस में 24 का चेक करते हैं, 24 गुणा 24, 4 चौक 16, और 16 को फिर से 4 करेंगे तो 6 चौक 24, क्या आ रहा है 4। तो ये तो आंसर से हट गया क्योंकि हमारे आंसर में क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। इसी तरीके से 18 का देखो, ठीक है, 8 8 64, और फिर 64 को किससे करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32, यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है 2, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। अगला है 20, 20 में तो 0 ही रहेगा तो ये भी हट गया। तो देखो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन में, दैट इज आपका आंसर आएगा 12। तो जो नया क्यूब बना हमारे पास, जो नया क्यूब बनेगा उसकी जो साइड है ये कितनी आएगी 12 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो स्क्रीन पर है आपकी, 25% ऑफ 25% ऑफ 75% ऑफ 100% अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 75। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो जो भी परसेंट है उसको हम लिख सकते हैं 25%, 100 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई किसका 25%, 75% का फिर से क्या 100% का, तो ये इसको हिंदी में का लिखते हैं, है ना। तो यहाँ 75/100 ऑफ जो है मल्टीप्लाई बन गया 100/100, और अपॉन में क्या था 25 गुना 75, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, जो भी बटे में थे वो ऊपर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, बटे वाले ऊपर नहीं यहाँ पे इधर ही आ जाएंगे गुणा में, है ना, कैसे 25 गुना 75, इस तरीके से आ जाएंगे ये भी। अब करो सॉल्व, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 75 से 75 उड़ गया, 100 से 100, अब क्या रह गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया है यहाँ पे। देखो ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 है, नीचे क्या आ गई 1 2 3 4 जीरोस, ठीक है, इसको पॉइंट में बदल लें तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, ये आंसर हमारा आ रहा है। अगर इसको परसेंट में बदलना है यानी कि इसके साथ परसेंट लगाएंगे तब बताओ ये आंसर कितना है, क्योंकि ऑप्शंस परसेंट में है। तो देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है ना, इसको फिर से परसेंटेज में लिखना है क्योंकि ऑप्शंस परसेंट में थे ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्या बनाएंगे इसका परसेंटेज में। तो देखिए ऑप्शंस में से अगर मैं ये परसेंट यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि परसेंट लगाने पे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो आ जाएं, तो देखो ऑप्शन में से कोई आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा वो हमने चेक करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये आंसर कब, इसमें परसेंट नहीं है, ये हमारा आंसर आया है, इसको क्या लिखें, अगर देखो 0.01% कहें तो ये इसी के इक्वल होगा, 0.01% इतने के इक्वल होगा, कैसे, जब भी मैं ये परसेंट हटाऊंगी नीचे क्या जाएगा 100 जाएगा, ठीक है, नीचे क्या जाएगा 100, और फिर इसको पॉइंट में बदलेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए 0.01%। इन केस एनी डाउट या कुछ आपको लगता है कि गलत है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ फ्रूट सेलर परचेज 20 केजी ऑफ एप्पल फॉर 50 per kg, ठीक है, 50 rupees per kg के हिसाब से वो खरीद के लाया। आउट ऑफदिस 10% ऑफ द एप्पल वर फाउंड टू बी रॉटन, और 10% क्या निकले उसमें से सड़े हुए निकल गए, खराब निकले। तो इफ ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स एट 60 rupees per kg, जो बचे हुए थे उसने वो कितने में बेचे, 60 rupees per kg में अगर वो बेचता है तो बताइए उसे क्या हुआ और कितना परसेंट हुआ, मतलब क्या उसे प्रॉफिट या लॉस हुआ, और क्या हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने परसेंट का हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 20 kg लाया था 50 के हिसाब से, 10% खराब निकले किसके, 20 kg में से 10% खराब निकले हैं, यानी कि 10/100 × 20, देखो यहाँ से कितना आ गया 2 kg, 2 kg क्या निकले खराब, यानी कि अब जो साफ थे वो कितने रह गए 18 kg,
18 केजी जो थे वो उसने बेचे होंगे। तो अब देखिए 18 केजी जो है उसने बेचे हैं, है ना, तो लाया कितने था वो 20 केजी, कितने के हिसाब से 50 के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए उसने स्पेंड किए, 1000 रुपए की वो सामान लेके आया, ठीक है। बेचे कितने 18, कितने के हिसाब से 60 रुपीज के हिसाब से, तो कितने बन गया हमारे पास 108.0, ठीक है, यानी कि 1080 रुपए के उसने बेचे, तो लाया था 1000 के, बेचे उसने 1080 रुपए के, तो फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हो गया, उसको प्रॉफिट रहा कितने का 80 रुपीज का, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 80 रुपए का फायदा हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसी को हमने परसेंटेज में बदलना है, तो क्या हो जाएगा 80 का फायदा हुआ कितने पे, 1000 रुपए पे गुणा 100, तो ये कट हो जाएंगे यहां से 0 हमारे, ठीक है, एक इस पे कट जाएगा, तो यहां से बच गया 8%, ठीक है, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट का हुआ, 8% का हुआ। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।